नमस्कार, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं इंडियाना 24। इस वक्त जो है कि हम जनपद गाजीपुर के अंतर्गत ब्लॉक जखनिया के अंतर्गत ग्राम सभा जो है कि सुल्तानीपुर में है, जहां पे कि ग्रामीणों की शिकायत थी कि कोटीदार साहब तो सब कुछ सही देते हैं, राशन सही देते हैं, मगर जब हम लोग राशन ला के घर पर वेट करते हैं तो उसमें से 2 से 3 किलो राशन कम हो जाता है। इस विषय पर कोटीदार साहब से बात करेंगे और जानेंगे क्या सच्चाई है। इसके पहले हम दिखाना चाहते हैं जो कोटीदार साहब का स्टाक बोर्ड है, उसको भी आप हमारे कैमरे के माध्यम से देखिए। ये स्टाक बोर्ड है जिसपे जो पूरी तरह से जो है कि ढक गया है दीवाल से। दीवाल से ढकने के बाद ना तो इस पर अवशेष लिखा गया है, कितना इनके पास बचा है, क्या कितने लोगों का अंत्योदय है, कितने लोगों का पात्र गृहस्थी कार्ड है, कुछ नहीं लिखा गया है। आइए इस विषय में कोटीदार साहब से बात करते हैं। पात्र गृहस्थी इस समय 271 है। 271 है आप यहाँ जी। और अंत्योदय 5 है। 5 है जी। ठीक है सर, मैंने क्या नाम है सर आपका? रमेश यादव। रमेश यादव जी जी। सर किस गांव से हैं आप? ग्राम सुल्तानीपुर। सुल्तानीपुर से कोटीदार हैं आप? अच्छा, ये तो सर जो राशन अभी आप वितरण कर रहे हैं, ये राशन किस माह का है? ये मार्च माह का है। मार्च माह का प्रधानमंत्री वाला राशन वितरण कर रहे हैं। पीएमजी। अच्छा, पीएमजी। क्या क्या आता है इसमें? इसमें खाली गेहूँ और चावल। गेहूं चावल। अच्छा, ये बताइए कि कब आप लोगों की निकासी हुई है, इतना लेट अप्रैल माह में वितरण कर रहे हैं आप? निकासी हमारी 28 को हुई जी। मशीन चालू हुई 2 तारीख। 2 तारीख को? 2 तारीख से हम वितरण जी। तो आज तो 8 तारीख है। आज 8 तारीख जी। एक चीज़, हम आप यहाँ आए हैं, जैसा कि आपके अधिकारियों का कहना है कि आपका स्टाक बोर्ड मेंटेन होना चाहिए, मगर आपका स्टाक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, उसको जो है कि ढक दिए हैं दीवार लगा के, क्यों ऐसा? बीच में दीवाल बाद में बनी। कितना दिन हो गया दीवाल को बने? दीवाल को बनने 3-4 महीना। 4 महीने? चार महीने से जो है कि आपका स्टाक बोर्ड सही नहीं है। बोर्ड है मेरे पास, बोर्ड मैं अपना छपा के रखा हूँ जी। खाली लगाना जी। तो उसको लगाते क्यों नहीं है सर आप? लगाया था सर, लगाया जी। अच्छा बताइए सर, आप यहाँ टोटल कितना परसेंट राशन वितरण हुआ है अभी आज 8 तारीख तक? 85%। 85% हो गया है। अच्छा, कितना शेष है? 7-8 क्विंटल। 8 क्विंटल होगा आपके दोनों पास? मिला। अच्छा, ये बताइए सर तो कुछ, लेकिन अभी बांटना जी, अभी लोग आ देंगे। मार्च में फर्स्ट राशन आपको वितरण किए थे सर? 13 तारीख से चालू हुआ था। 13 तारीख से कब तक बटा था? 31 तक। उसका डेट 31 तक जी। तो उसमें सर कुछ लोगों की शिकायत थी कि उसमें कुछ लोगों को चना, तेल, नमक, 3 चीज़ देना था, तो कुछ लोगों को पूरा मिला है, सबको, कुछ लोगों को तेल नहीं मिला है। क्या आप लोगों को कम मिला था? नहीं नहीं, हमारा जितना मिला था, जितना मशीन दिखाया था, उतना टोटल बन गया। टोटल बटा है? हाँ, टोटल बटा जी जी। किसी का फ़ोन आ रहा है। तो आपके ऊपर ऐसी कुछ शिकायत थी लोगों की कि जो है कि राशन जब आप देते हैं उनको, किसी का मान लीजिए 30 किलो है, उसका 28 किलो होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बराबर है। बराबर है? आप अपने यहाँ सही देते हैं? हाँ, सही देते हैं जी। आपके ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो झूठ हैं? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए सर कि आप यहाँ पात्र गृहस्थी कितना है और अंत्योदय वाला कार्ड कितना है? पात्र गृहस्थी इस समय 100। क्या नाम है चाचा? नरसिंह। नरसिंह। कोटीदार का क्या नाम है? रमेश। ग्राम सभा कौन सा है आपका? अरे बाजितपुर है। बाजितपुर सुल्तानीपुर ग्राम सभा। अच्छा, तो ये आपको राशन मिलता है? ना साहेब, हमके ना मिला था। कहें कन तू ना अंगूठा लगा था ना ना देखो अंगूठा आपसे लगवावे ना? हाँ, तो अंगूठवा लगवले के बाद क्या ना अंगूठा ना लगा था? हाँ। अच्छा, तो बस ना हम जाइला कहला कि जब हम दौड़ दौड़ के का करब जब देबे ना करिए। ठीक ठीक। कुसुम यादव, कितना यूनिट है आपका कार्ड? 6 यूनिट है। तो कितना राशन मिलता है आपको? 20 किलो। 20 किलो, तो 6 यूनिट है, 30 किलो मिलना चाहिए ना आपको?
साहब खाली रह जाला। बताए कट गया नाम दोनों को बताते हैं कट गया है। अच्छा तो 20 किलो पूरा मिलता है आप लोगों को राशन? अच्छा वेट नहीं किए हैं, 20 किलो देते हैं कुर्दार साहब? 20 किलो देते हैं। और क्या क्या देते हैं? रिफाइंड, चना। नमक। महीने में कितनी बार राशन आपको मिला है? मार्च में एक बार। एक बार ये वाला जो राशन आप बांट रहे हैं? एक बार पाए। जो ये वाला राशन बट रहा है अभी जो? अप्रैल में। अप्रैल में नहीं मिला। जैसे अभी कोटदार साहब बांट रहे हैं, आप लोग गए हैं लेने की? नहीं नहीं गए हैं। आज का तारीख 10 तारीख है ना? नहीं 10 तारीख। चलिए ठीक है, मिला है ना? हाँ ठीक। क्या नाम है चाचा? चंद्रिका यादव। चंद्रिका यादव, कितना यूनिट है आपके पास? हमारे साहब 5 आदमी का। 5 आदमी का जी। आपको राशन कितना मिलता है? वह माना कि 15 किलो मिलेगा, हमें कम हो जाएगा। कितना कम होता है? क्यों 15 किलो मिलता है? 5 यूनिट पे आपको 25 किलो मिलना चाहिए ना। हाँ तो 3 आदमी का मन मिल भाग करा ला। 3 आदमी का देते हैं, 2 आदमी का क्या बताते हैं? 2 आदमी का चढ़ा नहीं ना। क्या कहते हैं, 2 आदमी का नहीं चढ़ा है नेट पे? अच्छा कभी आप नेट पे चेक करवाए हैं इसको? अभी तो नहीं सर। अच्छा ठीक, उसको चेक करवा लीजिए। 3 आदमी में कितना राशन मिलता है आपको? 15 किलो देना। 15 किलो पूरा रहता है वेट करने पे? नहीं पूरा ना रहा, कम कितना कम रहता है? वो हमारे 1 किलो कम हो जाता है। 1 किलो कम हो जाता है ठीक है बस। माता जी क्या नाम है? अरे नाम ठीक है। आपके कुटेदार कौन है? रमेश यादव। रमेश यादव। कितना यूनिट है माता जी? 5 पूरा राशन मिलता है आपको? पूरा मिला। कितना राशन मिलता है आपको? 25 किलो मिला ला। 25 किलो पूरा रहता है कम रहता है? पूरा रहता है। 25 किलो कम रहता है? नहीं कम ना उतने आदमी है हमारे। और क्या मिलता है? और चना, रिफाइन, नमक, ये सब मिला ला जी।